ज़िंदगी में हम उन चीज़ों की वजह से मुश्किल में नहीं फंसते जिनके बारे में हमें इल्म ही नहीं है आम तौर पर आम तौर पर हम जिंदगी में उन चीज़ों की वजह से मुश्किल में फंसते हैं जिनके बारे में हम वसूख से कोई ना कोई यकीन रखते हैं लेकिन रियलिटी दरअसल उनसे डिफरेंट होती है आई वॉज रीडिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग कोट फ्राम मार्क ट्वेन जो कि एक डीप थिंकर भी है वेरी फेमस ऑथर ऑल्सो एंड आई वॉन्टेड टू टॉक टू अबाउट दैट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज़ अबाउट क्वेश्चनिंग आ थाट्स क्योंकि हम रियलिटी को uh, वो एक्सेप्ट करते हैं जो हमारी बिलीफ होती है इना तो वर्ड्स हम अपनी ही सोच को अपनी ही बिलीफ्स को रियलिटी समझ के फैक्ट के तौर पर एकसेप्ट करना समझ, समझ समझना शुरू कर देते हैं और कई दफ़ा ऐसा नहीं होता सो मार्क्स वे इन सैड इट एंट वट यू डोंट नो दैट गेट्स यूटू ट्रेवल इट्स वट यू नो फॉर श्योर दैट जस्ट एंड सो ये इतनी खूबसूरत बात है कि मतलब ये कि ज़िंदगी में हम उन चीज़ों की वजह से मुश्किल में नहीं फंसते जिनके बारे में हमें ही नहीं है आम तौर पर आम तौर पे हम जिंदगी में उन चीज़ों की वजह से मुश्किल में फंसते हैं जिनके बारे में हम वसूख से कोई ना कोई यकीन रखते हैं लेकिन रियलिटी दरअसल उनसे डिफरेंट होती है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अपनी थाट्स को हम क्वेश्चन करें क्योंकि हम कई दफ़ा एक चीज़ को फैक्ट के तौर पे एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम दरवाज़े अपनी सोच के अपनी अ़ल की तमाम दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर देते हैं कि नहीं रियलिटी यही है यही है जो मैं समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ और इससे हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा रुक जाती है इसमें एक और मैंने बहुत ज़बरदस्त कोड सुना था आई डोंट नो हु सेड इट बट इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट वट यू थिंक यू नो इज़ होल्डिंग यू बैक यानी जिस चीज़ के बारे में आपने वसूख से यकीन कर लिया वो दरअसल आपकी ग्रोथ के रस्ते में एक रुकावट है एंड अदर ब्यूटिफुल कोट इज़ दैट एन अनएगजाम लाइफ इज़ अ वेस्टफुल लाइफ यानी क्या मतलब हुआ कि अगर आपने अपनी लाइफ को एग्ज़ामिन नहीं किया लाइफ हमेशा हमारी सोच हमारी बिलीव्स के ऊपर बेस्ड होता है अगर आपने उसको एग्जामिन नहीं किया कभी क्वेश्चन नहीं किया तो इट्स अ वेस्टफुल लाइफ और ये बिल्कुल सच है ये बात अगर ये बात ना होती अगर को रियलिटी को क्वेश्चन करना कभी किसी ने सीखा ही ना होता तो ना ये ज़बरदस्त किस्म की इजादात होती जो हुई हुई हैं और ना ही इंसानियत ने आ, साइंस में तरक्की की होती पर मज़े की बात यह है कि ये दरअसल हमारे नबियों की भी सुन्नत है अगर आप सोचें कि हज़रत इब्राहीम ने अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली होती रियलिटी जैसे कि उनको बताई गई थी जो उनके आबाजाद करते आए थे तो फिर वो खुदा को ना ढूंढ पाते तो उन्होंने ये जो क्वेश्चन करने की आदत है ये दरअसल नबियों की सुन्नत है और हम क्या करते हैं हम अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को क्वेश्चनिंग करने से रोक देते हैं क्वेश्चन करना दरअसल एक बहुत हेल्थी और इंटेलिजेंट माइंड की निशानी होती है और इसी से इंसान सीख सीख के आगे बढ़ता है तो मैं आपसे एक छोटा सा तरीका तरीक़ाकार एक टूल शेयर करना चाहती हूँ जिस जो मैंने आज से पंद्रह साल पहले सीखा था और अब ये मेरे दिमाग की इतनी पक्की आदत है कि ये ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में प्रोसेस चलती है एंड दैट इज़ यू क्वेश्चन एवरीथिंग जस्ट बिकॉज़ एक थॉट आपके दिमाग में आई उसको फ़ौर एक्सेप्ट मत कर लें यू आर नॉट योर थाट्स सो लर्न टू क्वेश्चन योर थाट्स सो इसमें यह होता है कि फ़र्ज़ करें कि एक थाट है दिमाग में एक बिलीफ है जो मुझे the uh, cleave theory, right? Uh, so this is done for painful beliefs that we have. and so let's say it's a belief that uh, everybody rejects me. okay, so a lot of people have this issue that i have an issue with rejection because i get rejected by everybody. so so let's say this is a belief that if people knew me for who i am, i would be rejected. so apisco thought, okay, this is a thought i have or this is a belief i have. it's interesting. इज़ इट ट्रू इज इट वन हंड्रेड परसेंट ट्रू क्योंकि हंड्रेड परसेंट ट्रू एक्चुअली आप ख़ुद ये देखेंगे हंड्रेड परसेंट ट्रू तो हम किसी चीज़ को भी नहीं कह सकते मे बी सिर्फ जो हमारा ईमान है उसको हम हंड्रेड परसेंट कह सकते लेकिन अगर आप किसी एथिये से मिलेंगे तो वो भी आपको क्वेश्चन उसमें दे देंगे तो ये ईमान की बात है सिर्फ सो लेट्स एज इट हंड्रेड परसेंट ट्रू उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप इसको बिल्कुल तरफ ले जाएं. कि ऑपोजिट इसका क्या होगा कि आई एम नेवर रिजेक्टेड और आई एम नॉट रिजेक्टेड बाय एवरीवन आई एम एक्सेप्टेड बाय पीपल ये इसकी ऑपोजिट थॉट है लेकिन ये ऑपोजिट थॉट की तरफ हमारा दिमाग बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि फोकस इसी थॉट पे क्योंकि इसको हमने बिलीव के तौर पे अपने अंदर वसूख और यकीन के साथ इसको डाल लिया है सो so जब आप इसकी ऑपोजिट थॉट पे जाएंगे कि आई एम नॉट रिजेक्टेड बाय एवरीवन एंड देन द ब्रेन इज़ गोइंग टू स्टार्ट थिंकिंग कि कोई ऐसा एग्जाम्पल है बट आई वॉज नॉट रिजेक्टेड एक वाक्य ढूंढें दूसरा एग्जाम्पल ढूंढें, तीसरा क्योंकि ब्रेन को आप जो भी काम देंगे ये हुक्म का गुलाम है ये दुनिया का बेहतरीन मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर है आपने इसको ये कहा कि अब मैं इस थॉट पे फोकस करना चाहती हूँ कि आई एम नॉट रिजेक्टेड बाई एवरी वन आई वंडर इफ़ दैट इज़ ट्रू जैसे ही आपने ये सोचा आई वंडर इफ दैट इज़ ट्रू ब्रेन ने उसके एग्जाम्पल्स आपको देने शुरू कर देने और अगर नहीं एग्जाम्पल्स आ रहे तो बैठे रहें उस प्रोसेस में बैठे रहें जब तक कि ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता आपका ध्यान उस तरफ डालना शुरू नहीं कर देगा और आप देखेंगे कि एक दफ़ा आपने एक थॉट आई फिर दूसरी पीतीसी एंड यू विल बी या देर आर मैनी एग्जाम्पल्स वेर आई वॉज नॉट रिजेक्टेड सो देन द क्वेश्चन इज़ कि अब ये बिलीफ है जिसमें आई एम रिजेक्टेड ऑल द टाइम और दूसरी ये बिलीफ है वेयर आई एम नॉट रिजेक्टेड ऑल द टाइम अब दोनों बिलीव्स की पॉसिबिलिटी है कि ये इसमें भी शायद कुछ सच है और इसमें भी शायद कुछ सच है अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों अगर सच हो सकती हैं तो फिर मैंने कौन सी बिलीफ को एक्सेप्ट करना है अगर इस बिलीफ को एक्सेप्ट करूंगी तो दिस वन काज मी पेन इट मेक्स मी फील हेल्पलेस इट मेक्स मी अफ्रेड ऑफ पीपल इट मेक्स मी अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन विच दैन स्टॉप्स मी फ्राम टेकिंग यू नो पावरफुल एक्शन इन माई लाइफ तो ये ये बिलीफ मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है बट ये वाली जो कि ये भी सच हो सकती है ये एक्चुअली मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है इट कॉज़ मी टू बी हैप्पी इट आई एम मोर रिलेक्स आई कैन टेक एक्शन सो वाई वुड यू चूज अ बिलीफ दैट इज़ एक्चुअली नेगेटिव दैट कॉजिज़ यू सो मच अनहैप्पीनेस वाई वुड यू नॉट चीज चूज अ बिलीफ दैट एक्चुअली गिव्स यू हैप्पीनेस तो ये आप उसमें ये मत देखिए कि, कि ये प्रैक्टिकल वेन यू से ओ दिस इज़ प्रैक्टिकल बिकॉज दिस इज़ मोर प्रबेबल नो दे आर बोथ प्रॉबेबल ये हमारे ब्रेन ने हमें ये सोचने का तरीका सिखा दिया होता है टू बी कॉशियस टू बी यू नो वी हैव वॉल्ड अराउंड यू कॉशियस लोग कौन होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं आप अपने जिंदगी में कंस्ट्रक्टिव uh, स्टेप्स लेना बंद कर देते हैं क्वेश्चन एवरी थिंग दैट कम्स अप इज़ इट रियली मोर प्रैक्टिकल आई वॉन्डा इफ दी अपोजिट इज ट्रू आई वॉन्टा इफ दिस इज़ मोर प्रैक्टिकल टू थिंक दिस वे तब तक ये करते रहें प्रोसेस जब तक कि ये बिलीफ इसका जो होल्ड है आपकी ज़िंदगी पे वो कम ना हो जाए When यू आर इन बैलेंस then यू विल be someone who हु इज़ पॉजिटिव माइंडेड बट दे आर दे ऑल्सो एक्सरसाइज कॉशन इन लाइफ एंड दे आर मोर प्रैक्टिकल एंड प्रेगमैटिकेट विद अ पॉजिटिव माइंड सेट सो ट्राई दिस एंड लेट मी नो इफ दिस वर्क फॉर यू